नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की सूचना जो और रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन हो वो तुरंत आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, आज के अखबार में ये मुख्य खबर है कि RAS परीक्षा पर तीन विवाद, 5 को होगी या नहीं असमंजस की स्थिति। तो दोस्तों, कल जो बैठक हुई थी दीपक उप्रेती के कार्यभार संभालने के बाद में, उसमें RAS परीक्षा पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। हालांकि पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं लिया। अब क्या है पूरी इस खबर की न्यूज़, वो देख लेते हैं। एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हुए, इस दिन और भी परीक्षाएँ, सरकार में पहुँचे ज्ञापन। RPSC की ओर से 5 अगस्त को प्रस्तावित RAS प्री परीक्षा को लेकर विवाद खड़े हो गए हैं। यह परीक्षा 5 अगस्त को होगी या नहीं, इस विवाद से लेकर इस परीक्षा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी का विवाद, इसी तिथि पर कई परीक्षाओं के होने जैसे बड़े विवाद शामिल हैं। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड तक जारी नहीं होना इससे बड़ा विवाद बन गया है। इस भर्ती परीक्षा में 125 से ज़्यादा पद हैं। और दोस्तों, पहला विवाद क्या है? पहला विवाद ये कि RAS प्री परीक्षा वाले दिन तीन अलग परीक्षाएं। RAS प्री परीक्षा 5 अगस्त को प्रस्तावित है, इसी दिन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इसी दिन SBI क्लर्क से जुड़ी परीक्षाएं हैं और सहायक बीज प्रमाणन अधिकारी की भी परीक्षा इसी दिन है। इस मामले में सोमवार को राजस्थान प्रतियोगी संघर्ष समिति के बैनर तले CM के नाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, प्रभारी अविनाश राय खन्ना को ज्ञापन दिया गया। दूसरा विवाद, परीक्षा देना चाहते हैं लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। कई सरकारी कर्मचारी, पुलिस सहित सुरक्षा बलों में तैनात लोग RAS की परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इस परीक्षा के लिए स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि इनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। उधर डिपार्टमेंट RPSC के नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं, सिर्फ एडमिट कार्ड के आधार पर छुट्टी स्वीकृत कर रहे हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात एक व्यक्ति ने कहा कि उन्हें लिमिटेड छुट्टियां मिलती है। ऐसे में बड़ा विवाद यह है कि एग्जाम समय पर होगा या नहीं। दूसरा, एडमिट कार्ड अब तक क्यों जारी नहीं हुए जबकि अब तक जारी हो जाने चाहिए थे। तीसरा विवाद ये है कि RPSC की ओर से होने वाली परीक्षाओं के 15 दिन पहले ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी हो जाते थे, लेकिन 12 दिन गुजरने के बाद भी ये जारी नहीं हुए। अब तक ये पता नहीं है कि कितने परीक्षा सेंटरों की क्या व्यवस्था रहेगी। तो दोस्तों, अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कल लग रहा था कि बैठक के अंदर परीक्षा डेट पर निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन कल कोई भी निर्णय वो नहीं लिया गया है। जो भी न्यूज़ आएगी आपको तुरंत है वो वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुप्रभातम।